आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिटरमिनिंग ए वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन से वैल्यू को आप कैसे रिटर्न ले सकते हो, आउटपुट को आप कैसे रिटर्न ले सकते हो, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। इस पर्टिकुलर फंक्शन को पीएचपी टैग के अंदर आपने डिक्लेयर किया, दैट मींस पीएचपी फंक्शन है जिसका नेम आपने डिसाइड किया है रेस्टोरेंट चेक। इस पर्टिकुलर फंक्शन में तीन आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट डॉलर मील, सेकेंड टैक्स और थर्ड है टिप। इन तीनों पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने टैक्स अमाउंट फर्स्टली कैलकुलेट किया है। टैक्स अमाउंट हुआ, फॉर्मूला आपने इम्प्लीमेंट किया, जो भी फॉर्मूला आप चाहो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन टिप अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, उसको भी आपने फॉर्मुलेट कर दिया। देन टोटल अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, देन टोटल अमाउंट के लिए भी आपने फॉर्मूला लगाया है, और जो टोटल अमाउंट की वैल्यू है उसको आपने फंक्शन में वापस रिटर्न कर दिया है। जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न होगी गाइस, नेक्स्ट आओगे आप, ये रिजल्ट आपको सामने में दिखे। देन इस कॉन्सेप्ट को आपने इफ स्टेटमेंट के साथ में चेक करना चाहे वो भी आप कर सकते हो। कुछ ऐसा सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, वही फंक्शन है। यहाँ पे आपने रेस्टोरेंट चेक नेम के फंक्शन में ये तीन आर्गुमेंट पास किए हैं, फर्स्ट 15.22 डॉलर मील में, 8.25 डॉलर टैक्स में एंड 15 टिप में जाएगा, और ये पर्टिकुलर वैल्यूज कैलकुलेट होंगी और फाइनली आपको टोटल अमाउंट नेम का एक वैल्यू रिटर्न होके वापस मिलेगी। यानी आपने देखा एक डॉलर टोटल ग्रेटर देन 20, और ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपकी कहाँ स्टोर हो जाएगा, डॉलर टोटल नेम के एक वेरिएबल में। अब आपने चेक किया है अगर डॉलर टोटल की वैल्यू बड़ी है 20 से, I must pay with my credit card, else I can play with cash. That means अगर $20 से या 20 से बड़ा है अमाउंट तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पे कैश ही पे करना है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, आई ओनली हैव $20 इन कैश, सो आई कैन पे विथ कैश। ओके गाइस, देन फंक्शन रेस्टोरेंट चेक, अगेन वही पर्टिकुलर फंक्शन है, वही कॉन्सेप्ट कैलकुलेट किया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया, रिटर्न एन एरे फ्रॉम ए फंक्शन। फंक्शन से आप डायरेक्टली एक वैल्यू ना पास करके, वैल्यू ना रिटर्न करके, पूरा का पूरा आपने एरे पास किया है, एरे रिटर्न किया है। दैट मीन्स मल्टीपल वैल्यूज का सेट आप एक साथ रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, वही तीन वैल्यूज आपने रिटर्न किए हैं जिसमें डॉलर टोटल, डॉलर टिप अमाउंट और डॉलर टैक्स अमाउंट। देन डॉलर टोटल्स नेम का एक वेरिएबल या एक एरे, डॉलर टोटल्स में आपने थ्री वैल्यूज पास की हैं। ये थ्री वैल्यूज आपने जैसे ही पास की तो मील में 60.22, टैक्स में 8.25 और टिप में 15 ऐड हो गया। जो वैल्यू रिटर्न होके आई, ये तीनों वैल्यू डॉलर टोटल्स नेम के एक एरे में स्टोर हो गई। देन डॉलर टोटल्स का 2, 0, 1, 2, तो आपको समझेंगे फर्स्ट एलिमेंट 0 में, सेकंड का इंडेक्सिंग होगा 1 और अगले का 2। दैट मींस यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, लास्ट अमाउंट में आपको क्या मिलेगा तीसरे पोजीशन पे, टैक्स मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, पहला रिटर्न आपने क्या किया था टोटल का, दूसरा आपने टिप को, और तीसरा आपने क्या रिटर्न किया था टैक्स को। दैट मींस फर्स्ट पोजीशन में यानी डॉलर टोटल्स 0 में टोटल स्टोर है, डॉलर टोटल्स 1 में टिप अमाउंट स्टोर है, और डॉलर टोटल्स 2 में आपका क्या स्टोर है, टैक्स का अमाउंट। अब आपने इफ कंडीशन दी है, इफ डॉलर टोटल्स 2 इज स्मॉलर देन 10, अगर टैक्स की वैल्यू स्मॉलर है किससे, 10 से, देन मैसेज दिया टैक्स इज लेस देन 10, देन डॉलर टोटल्स 1 लेस देन 10, देन टिप इज लेस देन 10। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइए, टैक्स इज लेस देन 10, $10, टिप इज लेस देन 10, $10। नेक्स्ट आते हैं उसी कॉन्सेप्ट को, फंक्शन स्टेटमेंट इन ए फंक्शन। फंक्शन स्टेटमेंट को आपने यूज किया, कैश ऑन हैंड नेम का वेरिएबल और अमाउंट नेम का एक वेरिएबल है। अगर
डॉलर अमाउंट की वैल्यू बड़ी है कैश ऑन हैंड से तो क्रेडिट कार्ड, एल्स में कैश। ये सिंपल सा वही फंक्शन आपने यूज किया है पेमेंट मेथड का। डॉलर कैश अमाउंट की वैल्यू कहां से आएगी यहां पे आपको देखना है। रेस्टोरेंट चेक नेम का फंक्शन, इसमें टोटल अमाउंट आपने पास किया हुआ है। टोटल अमाउंट यहां पे देखिए कैसे आएगा। रेस्टोरेंट चेक में तीन वैल्यूज आपने पास की है, देन मेथड में पेमेंट मेथड 20, देन डॉलर टोटल। आई विल पे डॉलर मेथड, आई विल पे विद कैश। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो रेंट से बड़ा है तो, रेंट से छोटा है तो कैश, और रेंट से बड़ा है तो क्रेडिट कार्ड। देन वैल्यूज विथ इफ, इफ के साथ में आपने यूज किया है, लेस देन 20 होने पे आई विल पे विद कैश, एंड ग्रेटर देन 20 होने पर नो एक्सपेंसिव आई नीड माई क्रेडिट कार्ड। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहां से आप यूज कर पा रहे हो। सेम वही प्रोग्राम है, बस एरे पास किया जा रहा है और एरे की वैल्यू को ही चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स बुलियन वैल्यू को ट्रू करना है, बुलियन वैल्यू को चेक करना है। रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू, दैट मीन्स सिंपली आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी रिटर्न स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशन भी चेक की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, सिंपल सा 20 और डॉलर टोटल वैल्यूज आपने पास की हैं, देन उसी के अकॉर्डिंग कैन पे कैश, वही जो फंक्शन आपने बनाया था उसी फंक्शन को आप यहां से यूज कर पा रहे। नेक्स्ट आइए, वही ट्रू और फॉल्स कैश ऑन हैंड के थ्रू यूज किया है। इस पर्टिकुलर फंक्शन को अभी को भी सिंपली आप यूज कर पा रहे हो, कैसा आपने यूज कर लिया है। टैक्स अमाउंट कैश ऑन हैंड से बड़ा होना चाहिए टोटल अमाउंट, तो आपका क्या रिटर्न होगा फॉल्स, अदरवाइज क्या रिटर्न होगा टोटल अमाउंट रिटर्न होगा। देखिए यहाँ पे वैल्यूज पास की है, आई एम हैप्पी टू पे डॉलर टोटल, आई डोंट हैव इनफ मनी, शैल आई विश सम डिशेस, एंड आई एम हैप्पी टू पे। ये उस रेंज के अंदर अगर वैल्यू है तो हैप्पी टू पे है, और आज नहीं है तो वॉश करेगा, बर्तन धोएगा, एंड सो ऑन जो भी। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स, इसको वेरिएबल्स दैट मींस ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जिनकी वैल्यू इनसाइड द फंक्शन या आउटसाइड द फंक्शन आप कहीं भी एज इट इज यूज कर सकते हो, उनको आप डिफाइन करते हो वेरिएबल। दैट मींस ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेरी टू एबल, दैट मीन्स चेंज होने में कैपेबल होती है, उसको आप वेरिएबल बोलते हो। इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन कहीं भी आप वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कई तरीके हैं, इन तरीकों के आधार पे ही वेरिएबल्स का स्कोप या वर्क एरिया डिसाइड होता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन किस एरिया में और किस फील्ड में वर्क करे। तो वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है वेरिएबल का स्कोप, वेरिएबल का वर्क एरिया। सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल एरे, ग्लोबल वेरिएबल आप कैसे बनाओगे। थर्ड है मॉडिफाइंग ए वेरिएबल विद ग्लोबल, नॉर्मल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करना या ग्लोबल वेरिएबल बनाना। देन नेक्स्ट है द ग्लोबल कीवर्ड, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना और उसके थ्रू वेरिएबल को ग्लोबल डिफाइन करना। नेक्स्ट आते हैं डॉलर डिनर नेम का एक वेरिएबल है जिसमें क्या करी कटल फिश नेम का वैल्यू आपने स्टोर की है। वेजिटेरियन डिनर नेम का एक फंक्शन बनाया है, डिनर इन डॉलर डिनर और पी सूप्स, डॉलर डिनर बी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिनर इज डॉलर डिनर, तो डिनर इज डॉलर डिनर में क्या स्टोर है करी कटल फिश, और डॉलर डिनर में अब क्या स्टोर हो गया पी सूप्स, तो सूट भी आपको यहां से प्रिंट हो जाएगा। यानी डिनर इज करी कटल फिश और पी सूप, ब्रैकेट क्लोज, देन फंक्शन क्लोज हो गया। देन प्रिंट में वेजिटेरियन, वेजिटेरियन डिनर में मैसेज लिखोगे आप रेगुलर डिनर इज डॉलर डिनर, तो रेगुलर डिनर इज डॉलर डिनर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर है आपकी करी कटल फिश, क्योंकि डॉलर डिनर जो इनिशियल वेरिएबल है वो पर्टिकुलर वेरिएबल आपने डायरेक्टली पीएचपी टैग के ओपन करते ही डिफाइन किया है,
यानी आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किया है, दैट मींस ये वेरिएबल क्या है, ग्लोबल है। आपके इस पीएचपी टैग के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे सभी फंक्शन इस वेरिएबल का एज इट इज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं गाइस, ओके, नेक्स्ट आइए यहां, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने ग्लोबल बना लिया है, ग्लोबल वेरिएबल बनते ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप एज इट इज कहीं भी यूज कर पा रहे हो। देन ग्लोबल्स डिफाइन करना है, ग्लोबल बनाए गए वेरिएबल को अगर आप डिफाइन करना चाहो, चेंज करना चाहो, तो आप किसी भी पोजीशन पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन या चेंज कर सकते। क्लियर गाइस, देन ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके, फर्स्टली डॉलर डिनर है, देन ग्लोबल डॉलर डिनर है, देन डॉलर डिनर की दोबारा आपने वैल्यू यहां पे चेंज कर दी। यहां से देखेंगे जो पर्टिकुलर वैल्यू आपने चेंज की है वो पर्टिकुलर वैल्यू यहां से आप देख पा रहे। सो गाइस ओवरऑल ये पर्टिकुलर पूरा कॉन्सेप्ट आपका फंक्शन और फंक्शन के द्वारा रिटर्न की गई वैल्यूज के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। इसमें आपने देखा कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन आर्गुमेंट को कैसे रिसीव करेगा और जरूरत आने पर रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी पर्टिकुलर आर्गुमेंट को या वैल्यू को कैसे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।